हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज इस वीडियो पे हम देखेंगे वैदिक मैथ्स। सो ऑलरेडी हमने वैदिक मैथ्स में एडिशन रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट था वो पूरे हमने कवर किया था। अगर कुछ छूट गया, मिसलिनियसली कुछ रह गया, तो मैं वो अगले क्लासेस में आपको ऐड कर दूँगी। तो बट आज का वीडियो है सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन करने से पहला, जैसे मैं हर वीडियो में, हर कोर्स में पहले स्टार्टिंग में बोलती हूँ, हर चीज़ का थोड़ा प्रिपरेशन वर्क रहता है। तो यहाँ पे भी हमें सब्ट्रैक्शन में थोड़ा जानकारी रहना चाहिए। तो वो है कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में। तो पहला, अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्स पता होता है तो आप आसानी से सब्ट्रैक्शन कर लेते हो। तो पहला हम शुरुआत करते हैं, कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है। अगर आप दो नंबर्स को ऐड करते हो, उसका सम 10 होता है, 10 होता है, तो वो एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट नंबर्स बोला जाता है। सपोज़ ए प्लस बी इज इक्वल टू 10, देन ए कॉम्प्लीमेंट इज बी, बी कॉम्प्लीमेंट इज ए। बहुत सिंपल सा टॉपिक है ऑलरेडी। अगर आपको अबेकस पता होता है तो ये तो बहुत आसान है, ठीक है। सिर्फ हमें दो नंबर को जोड़ना है और उसका सम जो है 10 आना है, तो हम उन दोनों को कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर बोलते हैं। तो अगर हम कॉम्बिनेशन देखा तो 1 + 9 एक कॉम्बिनेशन होगा, उससे हमारा रिजल्ट 10 आता है। 2 + 8, 3 + 7, यहाँ पे मैं सभी लिख देती हूँ, ठीक है। 1 + 9 10, 2 + 8 10, देन 3 + 7 10, नेक्स्ट 4 + 6 10, ठीक है। 5 + 5 10। तो अभी इन सारे नंबर्स को एक कॉम्प्लीमेंट टू दूसरा बोला जाता है, मतलब 1 कॉम्प्लीमेंट इज 9, 9 कॉम्प्लीमेंट इज 1, 2 कॉम्प्लीमेंट इज 8, 8 कॉम्प्लीमेंट इज 2। तो दोनों तरफ से होता है ये, ठीक है। 3 कॉम्प्लीमेंट इज 7, 7 कॉम्प्लीमेंट इज 3, 4 कॉम्प्लीमेंट इज 6, 6 कॉम्प्लीमेंट इज 4, 5 कॉम्प्लीमेंट इज 5। तो एक ही नंबर तो है, ठीक है। तो पहला हमें ये आना चाहिए। अगर ये आता है तो हमें बिना बोरो मेथड का हम सब्ट्रैक्शन आसानी से कर लेते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे और एक कॉन्सेप्ट आपको बता देती हूँ। सब्ट्रैक्शन का जनरल मेथड कैसे होगा, मिन्यूएंट माइनस सब्ट्रैहेंड इज इक्वल टू डिफरेंस, राइट। यही है ना बेसिक जनरल स्ट्रक्चर, ठीक है। मिन्यूएंट, सिंगापुर में तो मिन्यूएंट बोलते हैं, तो इंडिया का प्रोनाउंसिएशन माइन्यूट बोलते हैं, ओके। जो आपको अच्छा लगता है वही लीजिए। सो मिन्यूएंट माइनस सब्ट्रैहेंड इज इक्वल टू डिफरेंस, ठीक है। तो ये बेसिक फॉर्म में हमें दो तरह के आंसर आते हैं, एक अगर माइन्यूएंट पॉजिटिव होता है, दूसरा माइन्यूएंट नेगेटिव होता है, ठीक है। अब जो भी हम मेथड अप्लाई करें, इसमें माइन्यूएंट पॉजिटिव है, मतलब रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। अगर आप बोरो मेथड यूज़ करेंगे, मतलब बोरो मेथड यूज़ नहीं करेंगे, जैसे माइन्यूएंट छोटा और सब्ट्रैहेंड बड़ा रहता है, बट एंड ऑफ द डे रिजल्ट पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो नेगेटिव रिजल्ट के आंसर्स यहाँ पे हम नहीं बात करें, यहाँ पे पॉजिटिव आंसर आएगा, ठीक है। उसी को हम, ये मेथड हम अप्लाई करेंगे। अगर आंसर नेगेटिव होता है, मतलब माइन्यूएंट नेगेटिव होता है, तो उसको कैसे करें वो अगले वीडियो में देखेंगे। तो अभी हम जो भी कर रहे हैं उसमें माइन्यूएंट बड़ा है। इवन नेक्स्ट सीक्वेंस में हमें कभी बोरो जैसा कॉम्बिनेशन रहेगा, हम तो बोरो मेथड यूज़ नहीं करेंगे, बट कॉम्बिनेशन ऐसा रहेगा, बट हमें वैदिक मैथ यूज़ करके हम आसानी से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको जो भी बताई थी, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं है, तो आप जब एग्जांपल सॉल्व करते हैं तो आपको पता होता है। तो पहला, हम सब्ट्रैक्शन के भी हमें दो तरह का होता है, सिंपल जहाँ की बोरो की कुछ नाम ही नहीं है, जैसे कि 31 - 20, हर प्लेस वैल्यू में हमें माइन्यूएंटी बड़ा होता है, तो हमें आसानी से इधर लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दो सेम ही आता है, हमें कोई दिक्कत नहीं होता है। जैसे कि 42 - 21, सो हर प्लेस में हमें माइन्यूएट बड़ा ही है, तो हम आसानी से 2 डिजिट या 3 डिजिट हर चीज़ हम कर ले सकते हैं। 7 - 5 2, 3 - 1 2, 2 - 1 1, ठीक है। तो ये बहुत आसान है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर हमें बोरो की ज़रूरत पड़ती है तो हम वैदिक मैथ यूज़ करके कैसे करेंगे। मतलब माइन्यूट तो फर्स्ट लेफ्ट मोस्ट प्लेस में बड़ा ही है, बट बाकी प्लेसेस में बोरो की ज़रूरत पड़ती है, बट हम बिना बोरो वैदिक मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे
35 माइनस 29। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये पहला टेंस प्लस में जो कॉम्बिनेशन ठीक है, बट वंस प्लस में जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पे माइनूट छोटा है और सबट्रैक्ट बड़ा है। एक्चुअली यहाँ पे बोरो की ज़रूरत होती है, बट बिना बोरो के हम कैसे सॉल्व करें लेफ्ट टू राइट देखेंगे। सो 3 माइनस 2 कितना है, 1। तो 1 मैं यहाँ पे नहीं लिखूँगी क्योंकि नेक्स्ट में मुझे बोरो लेना है, ठीक है। ये बोरो वाला कॉम्बिनेशन है तो इसीलिए मैंने एक्चुअली जो आंसर आता है मैं उससे थोड़ा एक कम करके लिखूँगी। एक्चुअली 1 है ना 3 माइनस 2, तो मैं उसको काट दे के 0 लिखूँगी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्शन नहीं एडिशन करूँगी, बोरो नहीं लूँगी बट सब्ट्रैक्शन नहीं एडिशन करूँगी। किससे एडिशन करूँगी, 9 का कॉम्प्लीमेंट से, इसीलिए मैंने आपको वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्स पहला बताया था। तो 9 का कॉम्प्लीमेंट कितना है, अगर 9 फिंगर्स ओपन करते हो जो क्लोज फिंगर था वो उसका कॉम्प्लीमेंट है, तो 1, ठीक है। आसानी से याद करने के लिए आपको बता रही हूँ। सो 5 प्लस 1 विच इज 6। देखिए मैंने बोरो नहीं लिया था, लेफ्ट टू राइट ही सॉल्व किया था तो मुझे आंसर आसानी से आ गया था, ठीक है। नेक्स्ट फिर से और एक प्रॉब्लम देखेंगे जहाँ बोरो मेथड की ये होता है बट माइन्यूट इज बिगर नंबर। तो यहाँ पे आप देखिए 7 माइनस 5 एक्चुअली 2 है, ठीक है। एक्चुअली मैं 2 नहीं लिखूँगी क्योंकि मैं देखूँगी अगला कॉम्बिनेशन बोरो कॉम्बिनेशन है या नहीं, ठीक है। अगर बोरो कॉम्बिनेशन होता है तो मैं उसमें एक कम करके लिखूँगी। एक्चुअली 2 है बट मैंने 1 लिखा क्योंकि नेक्स्ट कॉम्बिनेशन बोरो कॉम्बिनेशन है। सो ओके, जब भी बोरो कॉम्बिनेशन का वैल्यू आता है तो मैं ऐड करूँगी। 3 प्लस 8 का कॉम्प्लीमेंट 2 है, मतलब 5। बट मैं जब भी आंसर लिखती हूँ मैं चेक करूँगी कि अगला बोरो कॉम्बिनेशन है या नॉर्मल। तो ये तो बोरो कॉम्बिनेशन है फिर से, तो मैं एक कम करके लिखना चाहिए, मतलब 4, ठीक है। नेक्स्ट जो है अगेन 5 प्लस 9 कॉम्प्लीमेंट क्या है, 1 है। 5 प्लस 1 6। बट यहाँ पे कुछ बोरो कॉम्बिनेशन नहीं है तो मैं नंबर को एज इट इज़ लिख सकती हूँ। अगर बोरो कॉम्बिनेशन होता है तो मुझे एक कम करके लिखना होगा, ठीक है। तो आंसर है हमारा 146। देखिए मैंने अभी 2 डिजिट लिया था, 3 डिजिट लिया था, अभी मैं लूँगी नेक्स्ट थोड़ा बड़ा नंबर ही लूँगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। और आप जितना भी बड़ा नंबर हो लेफ़्ट टू राइट ही सॉल्व कर सकते हैं बिना बोरो मेथड। अगर आप इसी तरह प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका स्पीड बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है। ठीक है, मैंने यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा नंबर ले लिया था 8157641, और दूसरा मैं सब्ट्रैक्ट करूँ बट मैंने माइनट को बड़ा ही रखा था, ठीक है, 6 8 9 3 8 7 1 1, ठीक है। हाँ, तो अभी हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 8 माइनस 6 एक्चुअली 2 है, बट जब भी मैं आंसर लिखती हूँ तो मुझे चेक करना होगा मेरा राइट हैंड साइड कॉम्बिनेशन कैसे है, ठीक है। तो 2 नहीं लिखूँगी क्योंकि यहाँ पे बोरो कॉम्बिनेशन है, तो मैं आंसर में लिखूँगी 1, ठीक है। नेक्स्ट 1 माइनस 8, तो 8 माइनस नहीं करूँगी क्योंकि ऐड करूँगी। 8 कॉम्प्लीमेंट इज 2, 1 प्लस 2 इज 3, 3 नहीं लिखूँगी, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन चेक करूँगी तो इसलिए 2 लिख रही हूँ, बोरो कॉम्बिनेशन है। सो 5 प्लस 1 विच इज 6, ओके। बट आप नेक्स्ट कॉम्बिनेशन देखते हो नॉर्मल कॉम्बिनेशन है तो मैं 6 एज इट इज़ लिख देती हूँ, ठीक है। 6 नेक्स्ट जो है नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करूँगी मैं, 7 माइनस 3 इज 4, ओके। सो 4 लिखना चाहिए। नेक्स्ट है, ओके सॉरी, 4 लिखने से पहले मुझे एक बार चेक करना है ये बोरो कॉम्बिनेशन है कि या नहीं, तो लिख दीजिए 3 क्योंकि बोरो कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट 6 प्लस 8 कॉम्प्लीमेंट 2 है, सो 6 प्लस 2 8 है, बट चेक करूँगी 8 के है बोरो कॉम्बिनेशन है कि नहीं, तो है तो 7 लिख रही हूँ। नेक्स्ट 4 प्लस 3 7, 7 नहीं लिखूँगी पहले चेक करूँगी, ठीक है। हाँ ओके, नॉर्मल है तो 7 एज इट इज़ लिख दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट 2 माइनस 1 1 1 माइनस 1 0। अगर आप चेक करते हो तो आपके कैलकुलेटर में चेक कर दीजिए तो आंसर यही रहेगा। सो इतना बड़ा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन में आप कुछ सेकंडों में कर सकते हो। अगर आप जितना प्रैक्टिस करते हो आपका उतना स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, और टाइम जितना सॉल्व करने के लेते हो वो बहुत कम हो जाता है, ठीक है।
ये है बेनिफिट है वैदिक मैथ का। तो आप सब्ट्रैक्शन विथआउट बोरो भी आसानी से कर लेते हो। पूरा सब्ट्रैक्शन को मैं बहुत आसानी से एक ही वीडियो में बना दिया था, क्योंकि मैं बहुत सारे एग्जांपल्स नहीं लिए हूँ ऑलरेडी। जो ने मैंने जो एग्जांपल्स लिया था वो सभी एक ही कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे, तो इसलिए मैंने ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं लिया। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको सभी कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। एजी से जस्ट नंबर। हैप्पी लर्निंग।